ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਹਨ ਹਲੋ 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 ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਫੈਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਸਾਰੇ पंखे सारे बंद कर दो एसी चला दो ठीक है जी मुझे बताएं मैं ठीक करता हूँ कौन सा माइक है वो वहां से नहीं ये वहां से नहीं ऑफ करना पड़ेगा ऑफ करना है ऑफ कर दीजिए तो सेम फ्रीक्वेंसी हो रही है ना ऑडियो प्रॉब्लम वायर लगा लो कोई ठीक हो गया जाओ भैया हैं 1984 का जो कत्लेआम हुआ उसके अंदर बहुत सारे जो बड़े नाम थे वो किसी ना किसी बहाने से बचते रहे सज्जन कुमार बचता रहा जगदीश टाइटलर बचता रहा कमलनाथ बचता रहा लेकिन हमने पिछले दिनों में सज्जन कुमार को जेल में छोड़ के आए और कमलनाथ का हमने आपके साथ वादा किया था कमलनाथ का जो केस था 601/84 FIR वो बंद कर दी गई थी क्योंकि उसके अंदर चार्जशीट फाइल हुई थी हमने आपकी जानकारी में है हमने गृह मंत्रालय पर ये विषय उठाया था और हमारी इस दरख्वास्त को मानते हुए गृह मंत्रालय ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके तहत जो केस बंद हैं जो केस पे ट्रायल कंक्लूड हो चुकी है जो केस थ्रू कोर्ट हो चुके हैं उनको भी खोलने का इजाजत दी गई थी लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता और बड़ी तसल्ली है कि जो कमलनाथ की इन्वॉल्वमेंट थी जिस FIR में 601/84 पार्लियामेंट स्ट्रीट SIT ने उस FIR को खोल दिया है और री इन्वेस्टिगेशन के लिए सारे विटनेस और गवाहों की मांग की है 601/84 जिस मुकदमे में कमलनाथ मुजरिम होना चाहिए था उस मुकदमे को बंद कर दिया गया था कल SIT ने न्यूज़पेपर में ऐड देकर और ये माना हमारी कंप्लेंट को कि 601/84 FIR जिसके अंदर कमलनाथ की इन्वॉल्वमेंट है उसके लिए नए गवाह और केस खोल दिया गया दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल इंडिविजुअल ग्रुप्स पर्सन्स एसोसिएशंस इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस दैट इफ दे हैव एनी इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टेड टू द एनी फॉलोइंग केसेस दे मे कॉन्टैक्ट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ SIT पुलिस नाउ व्हाट इज द केस इज 601/84 601/84 SIT ने कमलनाथ के केस को खोल दिया है और उसकी री इन्वेस्टिगेशन के लिए गवाहों से मांग की है हमारी लंबे समय से मांग थी कि गवाहों की गवाही दर्ज की जाए और कमलनाथ को अरेस्ट किया जाए कमलनाथ को अरेस्ट करने का कमलनाथ को इस केस में चार्ज करने का और कमलनाथ को अक्यूज बनाने का जो SIT ने रास्ता साफ किया और ये डॉक्यूमेंट है जो SIT ने इस केस को दोबारा से खोल दिया है अब हमारी मांग है एक तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से वो बार बार इंसाफ की बात करते थे वो बार बार कहते थे देश के लोग इंसाफ मांगते हैं सिख इंसाफ मांगते हैं और आपसे मांग करते हैं इमीडिएटली क्योंकि कमलनाथ के खिलाफ मुकदमा खोल दिया गया है हमारे मुकदमे को इन्फ्लुएंस ना कर सकें हमारी विटनेस को इन्फ्लुएंस ना कर सकें और सिखों को जो दो सिख यहां मारे गए थे उनको इंसाफ मिले इसके लिए इमीडिएटली सोनिया गांधी राहुल गांधी को कमलनाथ से रिजाइन देना चाहिए इमीडिएटली उसको मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहिए ताकि ये जो इंक्वायरी शुरू हुई है जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का काम चालू हुआ है ये अनबायस्ड हो ये किसी दबाव में ना हो मुख्यमंत्री का दबाव बहुत बड़ा दबाव होता है दूसरी हमारी मांग है दिल्ली पुलिस से देश की सरकार से इसमें दो प्राइम विटनेस हैं सरदार मुख्तियार सिंह जिन्होंने अपनी गवाही में यह लिखा मैं उनका आपको दो लाइनें पढ़कर सुनाना चाहता हूं मुख्तियार सिंह ने लिखा
where the mob further mounted and again attacked Gurdwara Sahib. One of the person inside Gurdwara Sahib, who has a licensed gun with him, fired some shots in the air. After some time, mob came in a big force along with some Congress leaders, workers, etc., out of which I can recognize some of them, who are Mr. Kamal Nath and Vasant Sathe. Ye statement on the oath di gayi hai Nanavati Commission ke samne. Kiske dwara? Sardar Mukhtar Singh, the affidavit to Nanavati Commission. I must read it again. It's a very clear that after some time, mob came with a big force along with some congressmen, leaders, workers, out of which I can recognize some of them, who are leader Mr. Kamal Nath and Vasant Sathe. On the instruction of the said leader, police fired several rounds to Gurdwara Kabgan Sahib. Till date, the said marks of gunshot are still visible at Gurdwara Kabgan Sahib. Kamal Nath ke kehne pe na keval mara gaya, बल्कि गोली भी पुलिस द्वारा भी चलाई गई, जिसके निशान आज भी गुरुद्वारा साहब में मौजूद है. The mob again tried to enter Gurdwara Sahib. Once again, Sevadar and the members started brushing collectors in the same fashion. On hearing the said from collectors, presuming that some of the gunfight, the mob again scattered and went away. ये दूसरा affidavit, संजय सूरी, जो कि उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस में थे और अब वो एक टीवी चैनल पर हैं. ये मैं उनका भी आपको एफिडेविट पढ़कर सुनाना चाहता हूं. ये एफिडेविट भी नानावती कमीशन के सामने दिया गया. उन्होंने कहा, व्हेन आई हैव गोन टू रकाबगंज साहब गुरुद्वारा, आई हैव नोटिस दैट मिस्टर कमलनाथ वाज कंट्रोलिंग द क्राउड एंड द क्राउड वाज लुकिंग टू हिम फॉर डायरेक्शंस. कमलनाथ डायरेक्शन के लिए इंतजार में क्राउड था कि कमलनाथ डायरेक्शन दे और वे बेगुनाह लोगों को कत्लेआम करें, मारे. आई ऑल्सो नोटिस that he has control of the crowd. I also heard Mr. Kamal Nath. Kamal Nath ko maine kehte suna, either given any positive direction to the crowd to do so, some of doing something. I have seen Kamal Nath speaking to different people in different mobs near Gurdwara. Even while when Mr. Kamal Nath was present, some mob has charged at Gurdwara. I have noticed the presence of police on one side of Gurdwara. Mr. Gautam Kaul was the then police officer of in charge. Kamal Nath ke khilaaf संजय सूरी और मुख्तियार सिंह दोनों प्राइम विटनेस है. हम चाहते हैं इमीडिएटली इन ये डिस्पोज ऑफ करने को तैयार हैं. हमने आज उनसे बातचीत की है. बोथ हैव एग्रीड टू डिस्पोज बिफोर द एसआईटी ऑन द स्पेसिफिक डेट कॉल्ड ऑन. जिस दिन भी इनको बुलाया जाएगा, वो एसआईटी के सामने अपना बयान दर्ज कराने को तैयार है. हमने आज एसआईटी से भी बात की. उन्होंने कहा कि वो एक दिन में हमें स्पेसिफिक डेट देंगे जिस डेट में वो दोनों की विटनेस दर्ज करेंगे. हमारी मांग है, पहली मांग, कमलनाथ को, कांग्रेस की प्रेसिडेंट को तुरंत उसका रिजाइन लेना चाहिए और उनको कुर्सी से हटाना चाहिए ताकि सिखों को इंसाफ मिल सके. दूसरा, हमारी दोनों प्राइम विटनेस संजय सूरी और सरदार मुख्तियार सिंह को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए. उनकी जान माल को खतरा बनाएगा, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के खिलाफ वो कत्लेआम के केस के अंदर अपना बयान दर्ज कराने जा रहे हैं. इसी दबाव के चलते कमलनाथ, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटर, एचकेएल भगत, धर्मदास शास्त्री जैसे लोग, ललित माखन जैसे लोग बचते रहे हैं. हम चाहते हैं हमारी विटनेस डिस्पोज करें और बिना किसी डर के करें, ताकि उनके परिवार को खतरा ना बनाए. इसलिए इनके जवान के ऊपर खतरा बनेगा. अब एक मुख्यमंत्री खिलाफ वो डिस्पोज करेंगे. इनको एडुकेट, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना स्टेट का फर्ज बनता है, दिल्ली पुलिस का फर्ज बनता है. दोनों विटनेस जो है डिस्पोज करने के लिए तैयार है. मैं देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सिखों की लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, कमलनाथ के खिलाफ केस खोलने की थी. आज उस केस को खोलकर उन्होंने ये बताया है कि एनडीए सरकार सिखों को इंसाफ देना चाहती है. मुझे उम्मीद है, उम्मीद नहीं यकीन है, कमलनाथ विल बी द ओनली चीफ सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो कुर्सी पे रहते, अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने उसको नहीं हटाया, तो वहां एक ऐसा चीफ मिनिस्टर होगा जो कुर्सी पर बैठा 1984 के कतलेआम के लिए अरेस्ट किया जाएगा. मैं धन्यवाद करता हूं एसआईटी का, जिन्होंने हमारी मांग को मानते हुए इस केस को खोला और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए गवाह की मांग की. मैं उन सब लोगों से अपील करता हूं जिनको गुरुद्वारा रकाबगंज साहब के इस कत्लेआम की जानकारी है, वो सामने आए.
बेधड़क होकर सामने आए, बिना किसी डर के सामने आए, और जो कुछ आपने अपनी आंखों से देखा, जब दो सरदारों को आग लगाकर पाउडर डालकर मारा गया, वो आके डिस्पोज करे, आपको कोई खतरा नहीं है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी आपके जान माल की जिम्मेवारी लेती है, और हम विश्वास दिलाते हैं किसी भी सूरत में किसी के साथ जाति नहीं होने दी जाएगी। इसलिए मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से उन सब विटनेस को अपील करता हूं जो इस वाकया में कमलनाथ के कत्लेआम करवाते वक्त मौके पर मौजूद थे, लेकिन डर के कारण आज तक सामने नहीं आए। मैं सबसे अपील करता हूं, पुलिस ने, एसआईटी ने आपसे मांग की है, आप आए और अपनी बिजनेस के रूप में डिस्पोज करें, आपको कोई खतरा नहीं, आपकी जिम्मेवारी दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी लेती है। धन्यवाद। आप बताएं कुछ और। सर, इसके अलावा जो और एक्यूज है कि मुझे कमलनाथ का जूते एक्यूज फाइट कर रहे हैं, उसके लिए भी आप पूरी एंटायर एसआईटी की डिमांड क्यों नहीं कर रहे? नहीं, उसके जगदीश टाइटलर के केस के अंदर ऑलरेडी नहीं उसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके अंदर लाइट डिटेक्टर टेस्ट हो चुका है। जो हमारे प्राइम विटनेस हैं, उनके तीनों के विटनेस जिस केस में सीबीआई उसको क्लीन चिट दे चुकी थी, वो केस हमने खुलवा के ऑलरेडी उसके अंदर हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए दे चुके हैं, और उसके अंदर हमारी विटनेसेस मनमोहन सिंह और अदर्स जो हैं वो डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं, और एक उसके अंदर लाइट डिटेक्टर टेस्ट की रिपोर्ट आनी बाकी है। तो जगदीश टाइटर का केस भी इन परस्यू है, वो ऑलरेडी चल रहा है, इसलिए एसआईटी ने उसको टेक ओवर नहीं किया, सीबीआई कर रही है उसको। और कुछ नहीं, केस तो देखिए केस तो कई लोगों के वापस लिए गए थे, कई लोगों के, अब सबके केस खोलने की इजाजत एसआईटी से मिल गई है, लेकिन अभी जो केस खोले गए हैं वो ये हैं, उनका नंबर ऐसे है, मैं आपको कॉपी प्रोवाइड कर रहा हूं, जो अभी दोबारा से केस खोले गए। अच्छा होगा आपने सवाल पूछ लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी जो दोबारा से केस खोले गए हैं वो इस प्रकार हैं, 321/84 संत विहार पुलिस स्टेशन का केस खोला गया, 372/84 सनलाइट कॉलोनी का केस खोला गया। नहीं, ये तो अभी खुले ना, परसों जारी है, ये तो है आज की नोटिफिकेशन, तो है मंडे के, संडे के, फ्राइडे के नोटिफिकेशन में। नहीं, पुलिस स्टेशन के नाम है और कंप्लेंटेंट जो उस वक्त के कंप्लेंटेंट थे उनके नाम है। तो 321/84 संत विहार पुलिस स्टेशन, 372/84 सनलाइट पुलिस स्टेशन, 424/84 कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन, 601/84 पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन, 1056/84 कनॉट प्लेस, 556/84 पटेल नगर, 607/84 शारदा। ये वो सारे केसेस हैं जिसके अंदर पुलिस ने इनको रिओपन किया है और इनके लिए अपने गवाहों की मांग की है, जो जो इसमें गवाही देना चाहता है वो सामने आए। दो जो गवाह मैंने आपको बताया हमारे पास थे, ये हमने जानकारी एसआईटी को दी है और वो हमें स्पेसिफिक डेट देंगे, जिस दिन वो हमें कहेंगे हमारे दोनों गवाह सामने डिस्पोज पुलिस के सामने अपनी विटनेस दर्ज कराएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जहां पर केंद्र की सरकार को, जिन्होंने ये एसआईटी का गठन किया, और उसके साथ साथ विशेष तौर से धन्यवाद करूंगा सदान मुख्तियार सिंह और संजय सूरी होने का, जो जिन्होंने आगे बढ़कर आज भी हमारे साथ संपर्क करके कहा कि हम ये गवाही देने को दोबारा तैयार हैं। और इसके साथ साथ अपील करूंगा कि जो भी लोग इसके बारे में, उस कत्लेआम के बारे में कोई भी चीज़ जानते हैं, कोई भी सुराग उनके पास है, वो ज़रूर आगे आएँ, क्योंकि 35 साल बाद एक ये मौका मिला है और ये मौका हमको गंवाना नहीं चाहिए। इसलिए मैं बेनती करूंगा कि जिनके पास भी उस दिन का कोई ना कोई वाकया या उनके पास कोई रिपोर्ट है वो जरूर आगे है। ठीक है जी, और कुछ जी? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक कॉपी प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये सेट में एक प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपकी जानकारी में बता दूं, पहला वो है जो हमने अभी रिक्वेस्ट की थी इस केस को खोलने के लिए, हमने बताया था कि एमएचए ने आपको परमिशन दे दिया इसलिए आप इस केस को खोलें। दूसरा डॉक्यूमेंट है जो कमलनाथ की किताब जो संजय सूरी की थी। तीसरा डॉक्यूमेंट है जिसके बिहार पे ये केस खोला गया है। चौथा डॉक्यूमेंट है एफआईआर की कॉपी। पांचवा डॉक्यूमेंट है जो संजय सूरी और मुख्तियार सिंह का एफिडेविट है। तो ये पांचों की पांचों चीजें कंप्लीट सेट में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये सारे को कॉपी एक एक प्रोवाइड करा दें। तो ये हमारी जो कंप्लेंट है वो पहले है, जिसके बिहार पे केस खोला गया वो सबसे पहली कंप्लेंट की कॉपी है। थैंक यू।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।